नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए, जितने भी हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज आपका करा दिया है बायोलॉजी के, तो इसका जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जनरल साइंस का, तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और इसके साथ में देखिए, जितने भी आपके पीडीएफ है आपके, जैसे कि आपका जनरल साइंस का बायोलॉजी हो आपका, इसके साथ में आपका केमिस्ट्री हो, और साथ में जो है आपका फिजिक्स हो, तो इन सभी का जो है हमने डिटेल में पीडीएफ बनाया हुआ है। और इसके साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएगा टॉपिक वाइज, जैसा हम आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से आपको कंटेंट इसमें आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है आपको क्वेश्चन भी जो है आपके जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए हुए, तो वो जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग जो है इसको बाय कर सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ जनरल साइंस का। अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव वे में जनरल साइंस को अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग जो इस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सर जी क्लासेस के नाम से है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सभी का जो आपको इन डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपको यहाँ पे, और पीडीएफ भी देखकर आपको इसी के साथ में मिल जाएगा, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग कोर्स में एनरोल होते हो तो। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। और कोर्स देखिए ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है आपका। और जैसे ही देखिए आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आप लोग जो है स्टोर सेक्शन में जाना रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और यहाँ पे आप लोग कोर्स सेलेक्ट कर लेना जनरल साइंस वाला। और इसके बाद जब लोग बाई कर लोगे, तो आपको फिर कंटेंट सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको जो है सारे एक जो है आपको कंटेंट दिख जाएंगे, यहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो देखिए, ये जो है आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया जनरल साइंस के लिए ही, अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो एक ही जगह पे, तो आप लोग जो इसमें इनरोल हो सकते हो। तो हम लोग बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे थे, हम लोग क्वेश्चन आपका जो सीरीज चल रहा है, तो क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर है कि द ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्टिंग और ट्रांसमिटिंग द डिजीजेस टू ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वो ट्रांसमिट करते हैं डिजीज को ह्यूमन बींग्स के अंदर में, तो उनको जो है क्या बोला जाता है। तो इनको देखिए, इनको बोलाते हैं पैथोजन। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन्स दिया हुआ है, कॉमन बैक्टीरिया और इपिडेमिक वायरस आपका दिया हुआ है। तो देखिए, पैथोजन्स में जो है आपका ये सारी चीज़ आपके आ जाते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सारे चीज़ होता है, लेकिन कंबाइनली जो है आपका पैथोजन्स हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि ये सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके जो कि डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर में। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीजेस इज कॉज्ड बाय वायरस, तो इनमें से कौन सा पेयर ऑफ डिजीज जो है जो कि वायरस से कॉज्ड होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ रबाइज, मॉम्स, एड्स, सिफिल्स, टाइफाइड, टेटनस, और इसके बाद आपका दिया हुआ कोलरा और ट्यूबरक्लोसिस आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको आंसर करने से पहले सबसे पहले ये जानना होगा कि जितने भी डिजीज हैं आपके, तो उनके सोर्सेस कौन है, मतलब कि जो डिजीज जो है आपके किन से कॉज होती है, तो ये जो है लिस्ट आपको याद रखना होगा। इसके बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। तो देखिए डिजीज जो होता है, तो ये एक डिसकम्फर्ट स्टेज होती है ह्यूमन बॉडी का, और डिजीज जो है आपका, तो बेसिकली देखिए पैथोजेंस ये होते हैं। पैथोजेंस में आपका बहुत सारे चीज हो सकते हैं आपके, जैसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं उसमें आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया, तो इन सभी को बुलाता है पैथोजेंस। तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है कि जैसे वायरस से होने वाले जितने भी डिजीजेज हैं, उसी तरीके से बैक्टीरिया से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले, फंगस से होने वाले, तो सभी का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। और कंटेंट आपको पूरा देखिए पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, और हमने इन सभी डिजीज पे डिटेल में आपको समझाया हुआ है कोर्स में, तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से कवर करना है, क्वेश्चन आपका इससे एक मिलेगा ही देखने को एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए वायरस से होने वाला डिजीज जो है आपका, तो इसमें आपका जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस है, डेंगू है, इबोला है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू हो गया, हाइड्रोफोबिया, मिजल, मॉम्स, जर्मन फीवर हो गया आपका, जीका वायरस है, पोलियो है, हर्प्स है और रूबेला है आपका, तो ये वायरस से होने वाले हैं सारे। उसी तरीके से बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज देखिए आपका, इसमें है टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, टेटनस है, तो टी से देखिए आपका आ रहा है, तो बैक्टीरिया से होंगे आपके टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और टेटनस, ये तीन पेयर आप लोग एक सिक्वेंस में याद कर सकते हो। इसके अलावा लेप्रसी, कोलरा, वूफिंग कॉफ, निमोनिया, प्लेग, एंथ्रेक्स और डिप्थीरिया, तो ये जो है बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है। और वहीं पे देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले जो डिजीज है आपके, इसकी बात करते हैं, तो इसमें आपका जैसे मलेरिया हो गया, काला आजार हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, पायरिया है आपका, लेसेमिनेसिस और डाइजेंट्री है, तो ये जो है प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज है। और वहीं पे देखिए हम बात करते हैं आपका फंगस से जो डिजीज होने वाले हैं, तो उसमें आपका है जैसे रिंग बॉम है, स्कैबीज है,
और एथलीट्स फुट है। तो ये तो देखिए लिस्ट हमने आपको दे दिया, इसका डिटेल में भी जो है आपको समझना जरूरी है, क्वेश्चन आपका डेप्थ में भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ जो है हमने कोर्स में अच्छे से इसको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट, जैसे इसमें क्वेश्चन आपका था कि वायरस होने वाला डिजीज कौन सा है आपका पेयर इसके अंदर में, तो इसमें देखिए अगर आप लोग देखते हो जैसे रेबाइज आपका दिया हुआ और मम्स दिया हुआ है, तो ये जो है वायरस से होने वाला डिजीज है। तो क्या होगा ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी देखिए जैसे एड्स है आपका, तो एड्स तो वायरस से होने वाला है ही आपका, लेकिन जो सिफिलिस जो इसमें आपका दिया हुआ है तो ये जो है बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। और ये देखिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट थ्रू भी जो है आपका ये फैलता है। और यहाँ पे जैसे सी में दिया होता है टाइफाइड और टेटनस, तो ये जो है आपका बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। और इसके साथ में देखिए यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस है, ये तो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। तो आप लोग ऑप्शन से भी एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते थे। तो क्या होगा ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। इनफैक्ट आपको पेयर याद रखना है कि कौन वायरस से होंगे, कौन बैक्टीरिया से होंगे, कौन प्रोटोजोआ से होते हैं, तो ये लिस्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एड्स इज कॉज्ड बाय, तो एड्स जो है ये किसके चलते होता है आपका। तो ये देखिए दिया हुआ बैक्टीरिया, एचआईवी वायरस, जोस्टर वायरस या फिर ईटिंग जंक फूड। तो एड्स जो है आपका, तो ये जो है एचआईवी वायरस आपका होता है। तो वायरस डिजीज तो है ही, लेकिन देखिए जो एचआईवी वायरस है आपका, तो ह्यूमन इम्यूनोसेंट्री वायरस जो वायरस है आपका, तो उसके चलते आपका ये होता है। तो क्या होगा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। और आपको देखिए इसके रिगार्डिंग जो है डिटेल में भी आपको इसको समझना होगा यहाँ पर। तो एड्स के रिगार्डिंग देखिए ये सारा चीज़ दिया हुआ है, तो आप लोग इसको स्टडी कर लेना, पूरा डिस्कस करना यहाँ पे जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसका देखिए जो कॉज होता है आपका, तो उसके लिए जो वायरस आपका तो है एचआईवी वायरस, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेना। इसका होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस। और इसके देखिए डायग्नोस्टिक मेथड क्या होते हैं, तो एक आपका होता है ब्लड टेस्ट के थ्रू किया जाता है, जो कि एलिसा टेस्ट जो कि फेमस है आपका, जो कि एड्स के लिए फेमस है आपका यहाँ पर। तो वही देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर, तो द टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग एचआईवी इज, जैसे एचआईवी को अगर डायग्नाइज करना है, जैसे पता करना है कि पर्सन को एड्स है कि नहीं है, तो उसके लिए देखिए टेस्ट किया था, तो वो कौन सा किया था। तो यह है आपका ऑप्शन बी, दैट इज एलिसा टेस्ट है। तो क्या होगा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए एलिसा टेस्ट में होता है कि यहाँ पे जैसे एक एंजाइम लिंक जो है आपका इमर्जन ऐसे जो रहता है जिसे एलिसा बोलाता है, तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर में जो है ये डिटेक्ट करता है और साथ में एंटीबॉडीज को ये मेजर करता है हमारे ब्लड के अंदर में। और यही टेस्ट जो है यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि जैसे हमारे जो ब्लड के अंदर में एंटीबॉडीज है कि नहीं है, जो सर्टेन इन्फेक्शन जो रहता है उसके चलते, तो इसी से टेस्ट कर लिया जाता है और पता कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि एच आई वी इज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट, यानी कि जो एच आई वी जो वायरस है जो कि एड्स आपका जो होता है यहाँ पर ये, तो ये देखिए पास होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ये हो सकता है आपका, तो इन सभी तरीकों से होगा लेकिन एक को छोड़ के, तो वो कौन सा है आपको इस ऑप्शन में से बताना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मॉस्किटो बाइट, ब्रेस्ट फीडिंग, शेयरिंग नीडल्स और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो देखिए जो एच आई वी है आपका, तो ये पर्सन टू पर्सन ये फैलता है आपका, तो ये जैसे ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है, या फिर जो निडल जो शेयर किया था उसके चलते भी, या फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू भी आपका ये हो सकता है, लेकिन ये जो है मॉस्किटो बाइट के चलते कभी नहीं होगा आपका। तो क्या होगा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए अगर मॉस्किटो बाइट्स अगर होता तो मच्छर तो जनरली आप कहीं भी आप देखते हो वो रहते ही हैं, तो जब वो काटता है तो हो सकता है, तो उससे तो भी बहुत ईजिली वो ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन देखिए मॉस्किटो से ये नहीं होता, मतलब ये ट्रांसफर नहीं कर सकता है जो वायरस होता है उसका। तो इसमें आंसर आपका यही होगा कि मॉस्किटो बाइट के चलते नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है बाकी सभी तरीकों से हो सकता है, जैसे पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो यहाँ पे ये सारे तरीके हैं जिसके चलते आपका हो सकता है। तो इसीलिए जो है अवॉइड करना बेटर है आपका इन सभी जो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अगला देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका हिंदी में दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर कि पश्चिमी ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। तो देखिए एक तरीके की डिजीज आपका है, जैसे पश्चिमी ब्लॉट यानी कि वेस्टर्न ब्लॉट जो आपका रहता है यहाँ पर ये, तो इसके लिए एक कौन सा एक जो एग्जामिनेशन जो टेक्निक होता है वो आपका पूछा गया यहाँ पर आपका है। तो इसका देखिए होता है आपका एच आई वी, तो ये देखिए ये उसी से रिलेटेड है आपका जो वेस्टर्न ब्लॉट है आपका यहाँ पर ये। तो ये भी देखिए एक तरीके का आपका जैसे कि एक टेस्ट ही होता है यहाँ पर, तो ये जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है आपका, तो ये जो है ब्लड प्रोटीन को सेपरेट करता है, जो कि ये स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करता है जिसे बोलते हैं हम लोग एच आई वी एंटीबॉडी, और यही इंडिकेट करता है कि एच आई वी से इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो वेस्टर्न ब्लॉट देखिए इसका बेसिकली यूज़ क्या आता है, जैसे कि कोई पर्सन मतलब उसको है कि नहीं इसके अंदर वो वायरस है कि नहीं आपका एच आई वी के लिए, तो ये एक पॉजिटिव एलिसा टेस्ट में कन्फर्म आपको किया जाता है, और जब ये टेस्ट किया जाता है तो 99% एक्यूरेट ये रिजल्ट देता है आपका। तो ये भी एक तरीका आपका होता है बेसिकली ये टेस्ट करने का। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि डॉग बाइट कैन कॉज रबाइज, तो देखिए रबाइज जो है आपका जैसे कि हाइड्रोफोबिक रबाइज भी से बोला जाता है, जो कि डॉग बाइट के चलते आपका होता है ये, तो
यहाँ पे क्वेश्चन है कि बीच में द फॉलोइंग अदर एनिमल्स कैन ऑल्सो काउज देयर अराइज, जैसे डॉग बाइट के चलते आपका अराइज तो होता ही है, लेकिन इनमें से जो एनिमल आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि वो कौन सा है कि जिसके चलते अराइज हो सकता है, तो इसमें देखिए देवर डंकी बैट हॉर्स या क्रोकोडाइल। तो देखिए जो बैट है यानी कि जो चमगादड़ जो होते हैं, तो ये अगर बाइट कर ले पर्सन तो उसको भी देखिए अराइज हो सकता है, जैसे कि डॉग बाइट के चलते होता ही है आपका, तो ये भी जो कैरियर होते हैं इसके लिए, तो ये जो है आपका राइट आंसर टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोफोबिया के बारे में हम लोग देखते हैं, तो ये देखिए जैसे अकर आपका होता है तो रवाइज वायरस के चलते आपका होता है, तो कॉमनली जो है डॉग बाइट के चलते होता है, तो डॉग जो रहता है जब वो काटते हैं तो उसमें देखिए एक वायरस जो रहता है आपका रवाइज जो जो ये आपका हाइड्रोफोबिया जो वायरस मतलब आपका हो जाता है एक्चुअली में ये, तो ये देखिए जो डिजीज है आपका हाइड्रोफोबिया का, तो इसे जैसे बोलते हैं हम लोग के पानी से डरने का, मतलब जो पर्सन जिसको हो जाता है तो उसको जो है पानी से डर लगने लगता है, तो ये इसीलिए नाम इसका दिया गया हाइड्रोफोबिया। और इसके वेक्टर कौन कौन हो सकते हैं, तो देखिए डॉग भी आपका हो सकता है, वुल्फ भी हो सकता है, फॉक्स भी हो सकता है, और बैट भी आपका होगा, तो ये सारे जो है एनिमल्स इनका भी आप लोग नाम याद कर लेना। और बाकी देखिए और भी जो डिजीज है जो कि आपको डेप्थ में जानना जरूरी है इसके लिए, तो ये देखिए क्वेश्चन डेप्थ में पूछा ही जाता है, तो आपको जो है अच्छे से कवर करना ही होगा जितना हमने आपको PDF में दिया हुआ है, वो सारे चीज़ आप लोग एक बार देख लेना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि जीका वायरस कि विच कॉजेज न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिजॉर्डर इज ट्रांसमिटेड बाई, जो जीका वायरस जो है आपका जो कि एक न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिजॉर्डर कॉज करता है, तो ये जो है किसके चलते ट्रांसमिट होती है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है रैट बाइट, मॉस्किटो बाइट, स्नेक बाइट या फिर मंकी बाइट्स, तो देखिए जीका वायरस जो है आपका तो ये जो है मॉस्किटो बाइट के चलते है, ट्रांसमिट आपका होता है ये, तो क्या होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि येलो फीवर इज मेनली ट्रांसमिटेड एमोंग ह्यूमंस बाय, तो येलो फीवर जो है आपका तो ये देखिए मेनली ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में, ये किसके द्वारा होता है आपका, तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पर येलो मॉस्किटो बाइट, मेल मॉस्किटो बाइट या वाटर या फिर एयर के चलते, तो देखिए जो येलो फीवर है तो ये जो है मॉस्किटो के चलते होता है, लेकिन जो फीमेल जो मॉस्किटो होते हैं ना तो उसके बाइट के चलते होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928, तो इनमें से कौन सा पहला एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में, तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है इन्होंने पहला एंटीबायोटिक ये डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया हुआ है, इस तरीके से पूछा था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है कौन सा एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किया था इन्होंने, तो वह पेनिसिलिन या फिर पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो ये आंसर आपका सीधा आता है, तो ये आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बींग्स, तो देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होते हैं ह्यूमन बींग्स में तो उसके लिए मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है या कौन सा हो सकता है, तो इसमें देखिए दिया आपका एस्पिरिन, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स या एंटीजन, तो इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक्स, तो नाम से ही आपका आ रहा है यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि विच वैक्सीन इज प्राइमरी यूज अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में कौन सा वैक्सीन जो है प्राइमरी यूज किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए दिया BCG, DPT, HIV दिया हुआ और वेरिसेला, तो इसका देखिए राइट आंसर आपका BCG हो जाएगा, तो BCG का टीका देखिए दिया जाता है चाइल्डहुड में ही, मतलब जो न्यू बॉर्न चाइल्ड जो रहता है तो उसी समय जो है दे जाता है ताकि उसको ट्यूबरक्लोसिस ना हो, तो TB के जो है ये आपका क्या बैक्टीरियल डिजीज है इसके रिगार्डिंग देखिए आपको जो है सारा चीज़ डिटेल में पढ़ना होगा आपको, इनफैक्ट जितने भी इम्पोर्टेंट जो देखिए टॉपिक्स हैं आपके, मतलब जितने भी ये डिजीज हैं आपके, वो चाहे बैक्टीरियल डिजीज हो या फिर आपका जो वायरल डिजीज हो, इन सब का डेप्थ हमने यहाँ पे आपको लिया PDF में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से कवर करना, क्वेश्चन आपका डेप्थ से ही पूछा जाएगा और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए TB के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम लोग, तो इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल आपका होता है तो वो है आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और इसका जो चलते जो अफेक्टेड जो पार्ट होता है अगर किसी को हो जाए ये TB तो देखिए उसका लंग्स और साथ में जो अदर ऑर्गन्स होते हैं तो उनको अफेक्ट करता है, और देखिए ट्रांसमिशन कैसे होता है TB का आपका, तो ये देखिए भाई एयर के थ्रू भी हो सकता है, हाउस फ्लू के हाउस फ्लाई जो आपका रहता है उसके थ्रू भी, और साथ में जो स्पर्टम जो रहता है उसके थ्रू भी आपका हो सकता है, और इसके लिए जो टेस्ट होता है कैसे टेस्ट करेंगे पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, तो उसके लिए आपका होता है ट्यूबरकुलियन टेस्ट, और वैक्सीनेशन जो कि प्राइमरी जो दिया जाता है तो वह है आपका BCG, तो ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका डैश इज नॉट कॉज्ड बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशन, यानी कि इनमें से कौन सा है कि जो कि एयरबोर्न के चलते ट्रांसमिशन नहीं होता, मतलब एयर के थ्रू जो है आपका ट्रांसमिट नहीं होगा,
तो इसमें देखिए दिया आपका ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, मिजल्स और हेपेटाइटिस बी। तो इसमें देखिए द राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी। और बाकी यहाँ पे जितने भी दिए ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स या मिजल, तो ये सारे जो है एयर के मतलब एयर से भी ट्रांसफर ये हो सकते हैं ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि द डिजीज एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाय। तो डिजीज जैसे कि आपका एथलीट्स फुट जो है तो ये किसके चलते होता है ये, तो ये जो है आपका ये एक फंगल डिजीज है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फंगी के चलते होता है एथलीट्स फुट। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि द सिम्टम्स ऑफ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन आर। तो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के चलते जो डिजीज होता है तो उसके सिम्टम्स क्या है, तो इसका देखिए आपका होगा जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजॉर्डर होता है, मतलब कि जो हमारे इंटेस्टिनल इंटेस्टाइन जो होते हैं तो उसमें डिजॉर्डर होती है बेसिकली, जो आपका प्रोटोजोअल इन्फेक्शन जो होता है। तो ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा, और प्रोटोजोअल से रिलेटेड जितने भी डिजीज है और उसका इन डेप्थ एनालिसिस जो है तो ये आप लोग जो है देख सकते हो, पीडीएफ के अंदर मेंशन किया गया है सारा चीज़। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको जो है डेप्थ में समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका तो वो डेप्थ में ही पूछा जाता है, खासकर हम बात करते हैं ग्रुप डी का एग्जामिनेशन के लिए। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि व्हाट इज द कॉज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है आपका तो इसके मेन कॉज क्या होता है, इसके रीजन्स क्या है कलर ब्लाइंडनेस होने का। तो यहाँ देखिए दिया आपका कि मेल जीन बीइंग डोमिनेंट या डोमिनेंट एलोस इन ए जीन ऑफ वन पेरेंट, या फिर जो है आपका ब्लड ग्रुप ऑफ द पेरेंट, या फिर रिसेसिव एलील्स इन ए जीन ऑफ बोथ द पेरेंट। तो इसका देखिए जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके जो रिसेसिव जो एलील्स जो होते हैं ना दोनों पेरेंट्स मतलब मेल और फीमेल दोनों में जो है आपका दोनों में ये रहते हैं, तो उसके चलते कलर ब्लाइंडनेस आपका होता है ये। और देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो है आपका तो इसमें जो कलर जो होता है उसको डिफ्रेंशिएट करने में होता है, मेनली रेड और ग्रीन कलर जो रहता है। तो अगर किसी कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको पहचानने में दिक्कत होती है, और ये जो है आपका एक जेनेटिक डिजॉर्डर है, ये कोई बाहर से मतलब नहीं हो सकता ना, तो इसे ठीक किया जा सकता है। ये आपका एक जेनेटिक डिजॉर्डर जो कि इनहेरिट चाइल्ड में ये होता है, मतलब इनहेरिटेड डिजीज होता है एक्चुअली में, जो पेरेंट से चाइल्ड में आता है। तो ये जो है आपका मेल फीमेल दोनों से आ सकते हैं ये, ऐसा नहीं कि केवल एक एक में ही रहेगा तो आ जाएगा आपका ये। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स ऑन। तो कलर ब्लाइंडनेस देखिए ये जो है आपका तो डिफेक्टिव जीन जो होता है ना, तो ये एक्स क्रोमोजोम जो होते हैं तो उससे चलते आपका होता है, वाई क्रोमोजोम के चलते नहीं होता, ये एक्स क्रोमोजोम के चलते आपका ये होता है। तो ये सारा चीज़ देखिए हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जब आप इसको समझोगे डेप्थ में जब पढ़ोगे तो जो है आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा आपका। तो ये जो है आपके एक्स लिंक डिजॉर्डर में आपके दो डिजीज होते हैं, अब जो होते हैं इसमें आपका मेनली कलर ब्लाइंडनेस है, दूसरा आपका है हीमोफीलिया है। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया क्या होता है तो ये जो है आपको पूरा अच्छे से समझना होगा, किस तरीके से जो है ये होता है कॉम्बिनेशन के साथ में जो है हमने इसको बताया हुआ है इन डेप्थ में वीडियो में, तो आप लोग जो है वहाँ से इसको देख लेना। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि यूजुअली कलर ब्लाइंडनेस इज, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है आपका तो ये क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है जेनेटिक डिस्पोजिशन, नॉन जेनेटिक कंडीशन, लाइफ स्टाइल डिजीज और कॉज बाई एक्सपोजर टू लाइट। तो ये देखिए ये जो है आपका एक जेनेटिक डिस्पोजिशन के चलते आपका ये होता है ये। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, मतलब कि अगर कलर ब्लाइंडनेस किसी पर्सन को हो जाए तो उसका देखिए कोई इलाज नहीं होता है ठीक करने का, क्योंकि ये एक जेनेटिकल डिजॉर्डर आपका रहता है जो कि इनहेरिट किया जाता है पेरेंट के, तो पेरेंट से चाइल्ड में आ जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी देखिए इसी तरीके से जो है आपका ये सीरीज चलता ही रहेगा आपका प्रीवियस ईयर का। अभी हम लोग बायोलॉजी का कर रहे हैं, इसके बाद जो आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी आपका हम पूरा कंप्लीट करा देंगे इसी तरीके से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।